हाँ भैया, नाम क्या है आपका? रुपेश राणा। अच्छा, ये जो शॉप है अभी कितने टाइम हो गया ओपन हुए? ये हो गया 2-3 महीने। इसमें कुल्चों की, अमृतसरी कुल्चों की काफ़ी वैरायटी है। आलू है, आलू प्याज है, पनीर है, मिक्स है, आलू प्याज चूर चूर है। सबसे ज़्यादा क्या कस्टमर की डिमांड है यहाँ पे? आलू आलू प्याज चूर चूर में भी काफ़ी कस्टमर डिमांड करते हैं। एड्रेस ये हमारा पड़ता है विश्वास नगर 60 फुटा रोड। अच्छा, शॉप नंबर क्या है? 25/6 गली नंबर 16। नियरेस्ट मेट्रो कौन सी है? कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन और ईस्टा जहाँ। टाइमिंग हमारा 8 से 5 है, सुबह 8 से शाम के 5 बजे। किसी दिन ऑफ है क्या? नहीं, कोई ऑफ नहीं है, 7 डेज ऑफ है। ये अभी कौन सा अभी कुलचा बना रहे हो? ये आलू प्याज का कुलचा है, इसकी स्टफिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जी आप कहाँ से हो? भैया जी हम अमृतसर, खास अमृतसर कोर्ट खालसा से हैं, खालसा कॉलेज रोपुर अमृतसर के रहने वाले हैं। और मैंने कुलचा किंग से काम सीखा, अमृतसर की फेमस दुकान है कुलचा किंग। अच्छा अच्छा, तो आपको ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल से आप यही काम कर रहे हैं? दोनों आलू प्याज है? ये दोनों आलू प्याज है, एक इसमें चूरचूर आएगा चीज वाला और एक नॉर्मल कुलचा। ये क्या चीज़ है? इसमें देसी घी है, दही है, मसाले हैं, खड़े मसाले डाले हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये कुलचे की उपल है, इस पर क्रिस्पीपन पूरा आता है इससे। ओके, और कुलचे की रंगत बहुत बढ़िया आती है। और ये चूर चूर के लिए मूल चीज़ लग रही है ऊपर। अच्छा, मूल चीज़ डल रही है। चीज़ कौन सा है ये? ये मूल चीज़ है जी। नहीं नहीं, चीज़ मतलब चीज़ कौन सा है? मूल ये तो ब्रांड हो गया ना। हाँ जी, चीज़ कौन सी है यार? पीजी वाली नहीं है वो, 15 वाली जाती है। हाँ जी हाँ जी, ये छोले हैं, दाल मखनी पकाओ चला के। ये देखो भाई, चेक करो दाल मखनी है। ये प्याज की चटनी है। अच्छा, ये अमृतसरी कुलचा है, आगरा की लेते हैं। इसमें तो आप छोले और प्याज की चटनी के साथ आलू का आता है 60 रुपये का। अमृतसरी कुलचा दाल मखनी छोले रायता और प्याज की चटनी के साथ ही है। ये चूरचूर कुलचा है, इसमें छोले आएंगे, दाल मखनी आएगा, रायता आएगा, प्याज की चटनी आएगी। ये आलू प्याज का कुलचा है जी। अच्छा, ये आ गया हमारा चीज़ वाला चीज़ कुलचा। चीज ले लिया भाई ने सिल्वर फॉइल, और इस पर रखेंगे चूरचूर दाल को, जो भी इनका कुलचा। ये अमूल बटर है, ये कुलचे आएंगे अमूल बटर। ये देखिए, ये अमूल का पूरा आधा किलो वाला बटर ही होगा। हाँ जी, आधा किलो ओवरलोड हो गया एकदम। ये तो खुशबू क्या बेहतरीन आ रही है। आज तो करेंगे देखिए। हेलो गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं आपका विश्वास नगर है ईस्ट दिल्ली में। मैंने एड्रेस आपको बता दिया होगा यहाँ के बारे में और शॉप के बारे में बता दिया होगा। शॉप का नाम है आपका अमृतसरी कुलचा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लिया है, ये देखो आप, ये आलू प्याज का है कुलचा। इसका जो प्राइस है 80 रुपीज़ है, और ये है आपका चूरचूर नान, इसका प्राइस है 100 रुपीज़ छोला है। इमली और प्याज की चटनी, और ये है दाल मखनी और रायता। सब करा रहे हैं बिल्कुल।
कुलचे जो बिल्कुल करारे हैं, क्रिस्पी है, चुड़चुड़ चुड़चुड़ आवाज़ भी आ रही है। पहले मैं इनका कुलचा वैसे ही टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है। भाई बढ़िया यार, तो छोले की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसा टेस्ट कर छोलों का टेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा और गाढ़ा होना चाहिए छोला, ये देखो नीचे देखो, थोड़ा आपको ज़्यादा ही पानी पानी जैसा लग रहा है, तो हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए था। बाकी टेस्ट अच्छा है, कुलचे का जो टेस्ट है वो अच्छा है। अभी एक बार दाल मखनी, एक बार दाल मखनी के साथ इनका टेस्ट करते हैं कुलचा दाल मखनी कैसे। दाल मखनी तो दिखने में अच्छी लगेगी, दाल मखनी से छोले से अच्छा मतलब मेरे को दाल मखनी से लगेगा। इमली और प्याज की चटनी दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन जो इसका टेस्ट है बिल्कुल अपोजिट है। इसका खट्टा बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर है इसका, मतलब खट्टे का और तीखे का। रायता, रायता चेक करो एक बार, रायता देखो इतना गाढ़ा गाढ़ा है। भाई साहब ये चटनी और रायता लाजवाब है, हाँ जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। तो सर आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं? यहाँ मैं काफ़ी 4-5 बार से ज़्यादा आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को जो है नान वगैरह ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चुड़चुड़ नान इनका जो स्पेशली है वो बहुत अच्छा है, तरीका जो है बनाने का बहुत अच्छा है। प्लस इनका एक मेरे को मिनी कुलचा है, वो मिनी कुलचा बहुत अच्छा है। आप एक बार टेस्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई कुछ चीज़ दी है उसके अंदर, क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है इन लोगों ने। और अगर आप किसी फैमिली को लेके आते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके आएंगे, तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आपको कहीं गलत जगह आ गए। आप टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे अमृतसर में आप जाना एक बार, अमृतसर खा के आना और उसके बाद यहाँ पर टेस्ट करना आप लोग, आपको एकदम ऐसा मिलेगा, परफेक्ट होगा। जो वहाँ पर क्वालिटी है सेम वही क्वालिटी आपको मिलेगी। चटनी आप ले लो ठीक है, छोले खाओगे और दाल मखनी तो बहुत अच्छे डिलीशियस है, और प्लस क्वांटिटी इनकी अच्छी है। एक पीस मिलता है मगर क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि आप इजीली उसको खा सकते हो, और उसके बाद दोबारा आप इच्छा करेगा कि और खाऊं, बट पेट आपका भर चुका होगा। अभी चूरचूर का टेस्ट करते हैं। इसमें चीज़ पड़ा था ना, इसके ऊपर चीज़ पड़ा था। हाँ अभी दिखेगा नहीं क्योंकि इस पर अमूल बटर पूरा अच्छे तरीके से रगड़ा गया, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी एक बार ऐसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसा टेस्ट कैसा है। मैं इनको बिना या किसी सब्जी और चटनी के साथ आपसे खा सकता हूँ, टेस्टी बहुत बढ़िया है। सही दाल मखनी के साथ इसको टेस्ट करता हूँ। वैसे इसको दाल मखनी और किसी छोले की ज़रूरत है नहीं, टेस्टी वैसे ही है। छोले को नाराज क्यों करेंगे? चूरचूर नान है ना, चूरचूर कुलचा नान जो भी बोलो भाई, ये मेरे को ऐसे मतलब सेपरेट खाने में से लग रहा है। किसी चटनी में किसी रायते की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस डेली में आते हैं कृष्णा नगर और शाहदरा विश्वास नगर कड़का डूमर के आसपास, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। भैया का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ का जो शॉप का लोकेशन है, गूगल मैप का लोकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इजीली ट्रैक करके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रवीण है। अच्छा आप यही पास में रहते हैं? मैं यही पास में रहता हूँ, और ये मेरा आई थिंक सेकेंड विजिट है।
बट इससे पहले मैं ऑलरेडी दो बार मंगवा चुका हूँ घर पे, तो मेरी फैमिली ने खाया है, स्वाद मुझे बहुत पसंद आया था। अमृतसरी कुलचा, इसका छोले और दाल जैसे कंफर्टेबल होना चाहिए किसी को, नमक मिर्च सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। थैंक यू थैंक यू।